दे, क्रिकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, शुभमन गिल का दोहरा शतक पूरा हो गया है। दोहरा शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय बन गए हैं शुभमन गिल। भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल। इस वक्त की अगली बड़ी खबर क्रिकेट के जगत से, टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा तेज 1000 रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैदराबाद में जारी पहले वनडे मैच के दौरान शुभमन ने यह रिकॉर्ड बनाया। इन 1000 रनों के लिए शुभमन ने महज 19 मैच खेले हैं। पाकिस्तान के इमाम उल हक ने भी 1000 रन बनाने के लिए इतनी ही पारियां खेली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्रिकेट जगत से। वहीं इस मामले में नंबर वन की पोजीशन पर पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान काबिज हैं, जिन्होंने महज 18 मैचों में 1000 रन बना दिए हैं। हमारे साथ दिलीप कापसे जी विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी दिलीप जी, जिस तरह से शुभमन गिल का ये दोहरा शतक पूरा हो गया है और दोहरा शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, क्या अधिक जानकारी शुभमन गिल के इस शतक को लेकर? देखिए, कमाल की इनिंग रही शुभमन गिल की आज, जिस तरह से उन्होंने इनिंग बिल्ड की अपनी। सबसे अच्छी इस इनिंग की खास बात ये रही कि वो कहीं भी हड़बड़ाहट में नहीं दिखे, कहीं भी उन्होंने गेंद को बहुत तेजी से मारने की कोशिश नहीं की, और जिस तरह से दोहरा शतक बनाए, बहुत ही शानदार उनका यह दोहरा शतक रहा है। और सबसे अच्छी बात यह दोहरा शतक ऐसे वक्त पे आया है जब उन्होंने सबसे तेज 1000 रन मारने वाले भारतीय बने हैं। इससे पहले फखर जमान जो थे वो 18वें मैच में उन्होंने 1000 रन बनाए थे, और शुभमन जो है वो 19वां मैच है उनका जिसमें उन्होंने ये 1000 रन पूरे किए। अब हम जानते हैं कि ये पांचवें भारतीय हैं जिन्होंने दोहरा शतक मारा है। रोहित जो है वो 3 दोहरे शतक मार चुके हैं। ईशान किशन इससे पिछली सीरीज में उन्होंने एक दोहरा शतक लगाया था। सचिन ने पहला दोहरा शतक लगाया था। सहवाग है इस लिस्ट में। इसके अलावा ये कुल मिलाकर ये 10वां दोहरा शतक है जो वनडे इंटरनेशनल में लगा है। रोहित, ईशान, सचिन और सहवाग के साथ साथ मार्टिन गपटिल, क्रिस गेल और फखर जमान जो है वो भी दोहरा शतक लगा सके, तो एक कमाल की बतौर ओपनर उन्होंने अपनी जगह बना चुके हैं। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, डेफिनेटली जो रोहित के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो एक चैलेंज उन्होंने डाला है, क्योंकि वो तय है कि भारत के लिए वर्ल्ड कप में ओपन करने जा रहे हैं। जी दिलीप, और जिस तरह से अब हम अगर शुभमन की बात करें, जिस तरह से उन्होंने दोहरा शतक पूरा किया है, क्या अब आने वाले क्रिकेट जगत में ये बड़ा नाम हो जाएगा? जिस तरह से विराट कोहली और रोहित की बात हम कर रहे हैं, तो क्या शुभमन गिल का नाम भी उन चमकते सितारों में होगा? देखिए, 19 मैचों का केवल पूरा करियर है अभी उनका। डेफिनेटली वो एक बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। जिस तरह से बैटिंग उन्होंने अब तक रन किए हैं, वो एक बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट में बनेंगे, ये उन्होंने एक तरह से बता दिया वर्ल्ड क्रिकेट को। लेकिन ये कहना कि अभी वो कितने आगे जाएंगे, बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि केवल 19वीं वनडे इनिंग है उनकी ये। लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने रन किए हैं, ये है कि भारत के लिए एक बड़े बल्लेबाज बनकर वो सामने आएंगे। जी दिलीप, और जिस तरह से हम देख रहे हैं शुभमन की तरफ भारत के लोगों की निगाहें हैं, तो क्या बेहतर ओपनर के रूप में इनको देख रहे हैं हम? डेफिनेटली इंडिया का सबसे बेहतरीन ओपनर कहा जाएगा। आप देखिए कि 1000 रन जो भारत के लिए है सबसे तेज उन्होंने बनाए। इससे पहले भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन शिखर धवन ने बतौर ओपनर, और फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली जो है उन्होंने, तो इन दोनों ने, विराट और शिखर धवन जैसे बल्लेबाज जो है वो 24 इनिंग लिए थे 1000 रन बनाने के लिए भारत की तरफ से, और ये केवल 19वें इनिंग में कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इतना है कि वो बहुत तेज रन बना रहे हैं। जिस तरह से उनका एवरेज है, 100 के ऊपर का उनका एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा है, और जिस तरह से खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा संकेत है भारतीय क्रिकेट के लिए। जी दिलीप, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपको बता दें शुभमन गिल का दोहरा शतक पूरा हुआ है। दोहरा शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल। भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं शुभमन गिल।